गल बात कर दो नेचुरल गल तो अविनाश के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि किस्मत किसको कहते हैं, हमारे साथ ही खेलता था, कॉस्को साथ ही खेलते थे, अभी कुछ ही 5-6 महीने पहले ही ये लैदर के साथ खेलना शुरू किया इसने, तो इसने 5-6 महीना जो दिन रात जो मेहनत की है ये उसी का नतीजा है कि आज इसको आरसीबी जो सबका ख्वाब होता है इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलना, सारे जो वर्ल्ड के प्लेयर होते हैं 405 प्लेयरों में अगर इसका नाम आया है तो बड़ी खुशकिस्मती है परिवार की, हम भाइयों की, दोस्तों की, सबकी दुआएं लगी है इसको। और मैं चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर का नाम वहां जाके रोशन करे आने वाले कुछ सालों में, और भारत का भी ये प्रतिनिधित्व करे। कहां खेलते? अखनूर रोड पे एकेडमी है, मयंक गोस्वामी क्रिकेट एकेडमी। तो अभी 5-6 महीने पहले ही इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया लैदर से, खेलते तो पहले से थे कॉस्को से, मगर लैदर से इन्होंने अभी 5-6 महीने पहले खेलना शुरू किया था। तो हम सब बहुत खुश हैं, परिवार के लोग, दोस्त, भाई, यार जितने भी हैं, कि अभी इसको इतनी बड़ी स्टेज पे जाने का मौका मिला है, और हम चाहते हैं, हमारी दुआएं इसके साथ है कि IPL में ये मैचेस भी खेले और अपनी टीम को मैचेस भी जिताए, और आने वाले इस साल या अगले साल मेरे को इतना भरोसा है कि 1 या 2 साल के अंदर ये इंडिया का भी प्रतिनिधित्व करेगा। ये हम कहना चाहते हैं कि सबसे सबकी दुआएं इसको लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शौक बढ़ा के ठीक मैं तो मारे जा रहे हैं, दौड़ भज की है पढ़ने की खाब ज्यादा मर के ड्रेको तो खाब आपका था क्रिकेट मैच का शौक आया सी, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा पुजी है थोड़ा सा ज्यादा नाम पता, बड़ी खुशी है, मुबारक बड़ी सबको, आपको भी मीडिया वाले का भी बड़ा शुक्रिया। जिस तरह हाँ ठीक है, मतलब कि इसका ख्वाब था, ख्वाब पूरा हो गया आज, मतलब कि शौक था कि क्रिकेट में ही जाऊंगा मैं, तो आज इसकी जो है मेहनत पूरी हो गई है, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगी। नहीं नहीं, इसके पापा नहीं पसंद करते थे, मैं भी नहीं करती थी, मैं इसको मना करती थी, पर इसने जहाँ चले चोरी भी कई बार चला जाता था, रात को भी खेलना, दिन को भी कभी खेलता, फोन आना इसने बस बताना बस मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं आया 2 मिनट में, उसके बाद फिर जब फोन करो हाँ मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ, उधर गया हूँ उधर, बस चला जाता था ऐसे खेलने। हाँ आज तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे सिलेक्ट हो गया है, चलो तो टेस्ट वो करवा रहे थे कि उधर बाहर भेजना है इसको, तो फिर इसने उधर गया थोड़ी देर, फिर उसके बाद इसका मन ही लगा, फिर बोलता मैंने अकेडमी ज्वाइन की इसने, ये मुठी में है ना अकेडमी गोस्वामी, तो शौक था पढ़ने में थोड़ा सा ढीला था ये, मगर शौक इसको बचपन से ही था कि क्रिकेट खेलूंगा, मतलब वही है पढ़ने में थोड़ा इसको बोलो फिर बस इसने बाल उठाने चल पड़ना बैट। मैं छोटा भाई हूँ उनका, अविनाश जी का, तो काफ़ी मेहनत की उन्होंने, ये नहीं कि कभी कभी घर बिना झूठ मारे भी खेलने जाते थे, वो बोलते कहीं थे और जाते कहीं थे, 2-2 बजे भी आया रात को खेल कर, पापा सो जाते थे बट ये पीछे हम पीछे दरवाज़ा खोलकर इनको अंदर लाते थे ताकि पापा को पता ना चले, तो ये नहीं कि मेहनत नहीं है, ये जिसने भी मेहनत करते थे कोई भी काम पकड़ते थे तो इनको ये सफलता उसमें मिलती थी, इनको एक ऐसा था कि जो ये पकड़ते थे इनको सफलता मिलनी है उसमें, तो इनको स्टार्टिंग से ही शौक था, मतलब ये 14-15 साल की उम्र में ही खेलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट ये पहले टेनिस क्रिकेट खेलता था, वहाँ से इसको शौक पड़ा कि मुझे खेलना आगे खेलना है,
तो इसने कंटिन्यू किया। उसके बाद मयंक सर की एकेडमी यहाँ पर एक मुट्ठी में, वहाँ पे इसने ज्वाइनिंग की। तो सर ने देखा इसमें पोटेंशियल है, ये खेल सकता आगे, इसमें टैलेंट है, तो हम इसको आगे लेके जाते हैं। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया इसको भी, झूठ नहीं बोलना है, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, पुश किया सर ने इसको कि नहीं ये करो आपसे होगा, ज़रूर होगा। ये कभी कभी हार मान जाता था, नहीं कर पाऊंगा मैं, बट सर ने काफ़ी सपोर्ट किया इसको। तो मैं सर को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इतना सपोर्ट किया उसको। बाकी खुशी तो सबको होती है, ये तो ऑब्वियस है, खुशी होगी सबको, पापा मम्मा को सबको, हमको सबको खुशी है। तो हम चाहते हैं आने वाले टाइम में इंडिया भी जरूर खेले।